अवैध शराब की कालाबाजारी करने वाले 3 गिरोह समेत शराब पेटी लोड 2 ट्रक को 2 अलग अलग जगह से उत्पाद विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया। अवैध शराब लोड पहले ट्रक को निमियाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत से पकड़ा गया, दूसरा ट्रक बगोदर थाना क्षेत्र से। इस बाबत उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरिडीह जिले से होकर 2 अवैध लोड ट्रक अरुणाचल प्रदेश जाने वाला है। इसको लेकर रांची, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। सूचना के बाद उत्पाद पुलिस की टीम के अलावे सरिया, बगोदर और डुमरी थाना प्रभारी के नेतृत्व में जाँच अभियान चलाया गया। इसके बाद GT रोड पर घेराबंदी कर अवैध शराब लोड ट्रक को पकड़ा गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि कागजातों की जाँच पड़ताल के दौरान पाया गया कि परमिट 4 सितंबर तक ही मान्य है। इसके बावजूद 5 सितंबर को खुलेआम घूम रहा था। उन्होंने बताया कि अवैध शराब गोवा में लोड हुआ था और अरुणाचल प्रदेश जाने का परमिट बना था। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार अवैध शराब कहां ले जाया जा रहा था। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि झारखंड में शराब को लेकर लगभग 2.25 करोड़ का शराब पकड़ा गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के नाम पर परमिट बनाकर गिरिडीह और धनबाद जिले में खपाने की तैयारी थी। फिलहाल गिरफ्तार 3 आरोपियों को सदर हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट के बाद जेल भेजा गया। छापेमारी टीम में उत्पाद विभाग की ओर से अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, सुखदेव यादव, रामबचन यादव, भगवान राम, सुरेंद्र यादव, नरेश प्रसाद राय, नंद किशोर दुबे, जितेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी गिरिडीह होकर के वो 2 ट्रक फॉरेन लेकर वो नाजायज ढंग से यहाँ से अरुणाचल प्रदेश परिवहन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के नाम पर केवल कागज़ है, वो गिरिडीह में ही कहीं डंप होगा चाहे धनबाद में कहीं पर डंप होगा वो, और फिर उसके बाद निकटवर्ती जिलों में उस माल को खपाया जाना है। इसी सूचना पर रांची की टीम, बोकारो की टीम, हजारीबाग की टीम, गिरिडीह की टीम सबों को अलर्ट कर दिया गया था। और उसी अलर्ट होने के दरमियान हम लोग यहाँ के DSP सरिया बगोदर और DSP डुंगरी के सहयोग से हम लोग GT रोड पर घेराबंदी करके इस एक गाड़ी को हम लोगों ने पकड़ लिया और इनका कागज वगैरह देखे तो इनका परमिट 4 तारीख को ही लैप्स कर गया था ऑलरेडी। हाँ, फिर भी ये 5 तारीख को रात में घूम रहे थे पूरा गिरिडीह और जहाँ तक अपना लोग करके कुछ माल भी बेचने उचने की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कहीं माल बेचे भी, तो उसी के सत्यापन के लिए, कागज़ के सत्यापन के लिए हम लोग ले आए। और इसी के ड्राइवर के बातचीत करने से और फिर पता चला कि दूसरी गाड़ी का भी लोकेशन ट्रेस किया गया, तो उसको भी हम लोग जाकर के बगोदर में फिर उसको पकड़ लिए। कहाँ से माल लोड हुआ था सर? ये गोवा से माल लोड हुआ था। कहाँ पकड़ा गया? तो अरुणाचल प्रदेश का बनाया हुआ है, अब उसी का सत्यापन फिर किया जाएगा, सब अनुसंधान में आएगा कि हाँ पेपर सही है, वहाँ कितना माल जाता है, महीना में कितना माल वहाँ पहुँच पाता है। क्योंकि दोनों का जो ड्यूटी डिफरेंस है वो बहुत ही मैंने ज़्यादा है, मैंने आप यही समझ लीजिए कि अभी जितना माल हम लोग रिकवर किए हैं अगर वो MRP पर बिक जाता तो उनका 60 लाख का माल मैंने बिकता, और हमारे झारखंड राज्य में जो सबसे कम दाम का लीकर है उसमें 2.25 करोड़ का लगभग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इतना ही माल। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसके चलते कि नाजायज करने वाले इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ऐसे हम लोग भी सतर्क हैं और आम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि इसमें 2 नंबर का भी संभावना रहता है। ये सस्ता माल होने के नाम पर ये लोग 2 नंबर का लोकल भी बना करके दे देते हैं, ये सब जांच का विषय है, लेकिन आम जनता को भी बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर वो सतर्क नहीं रहेंगे तो बराबर आप लोग भी देख रहे हैं कि बगल के राज्यों में कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होते रहती हैं, तो सरकार भी इस ओर सतर्क है, विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी स्थिति में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो इसके लिए सभी पदाधिकारियों को